दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल एंड आदाब। मेरा नाम है अमित सिंह और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिस इज पावर्ड बाय बॉलीवुड का हल्ला एंड प्रेजेंटेड बाय लेमन चिलीज फिल्म्स प्रोडक्शन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में, जो है डायलॉग इम्प्रोवाइजेशन। डायलॉग को इम्प्रोवाइजेशन कैसे किया जाता है या डायलॉग इम्प्रोवाइजेशन क्या होता है? सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि डायलॉग इम्प्रोवाइजेशन मतलब क्या है। डायलॉग को इम्प्रूव करना, राइट? जो डायलॉग हमें दिया गया है ऑडिशन के वक्त या फिर एक्ट के वक्त या फिर हम सीन में जो काम कर रहे हैं, तो उस वक्त हमारे पास एक डायलॉग होता है, उस डायलॉग को हमें इम्प्रोवाइज करना होता है, राइट? तो ऑडिशन के वक्त तो हम इतना नहीं करते इम्प्रोवाइज, कर भी सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पे, आपके शब्दों के बोलने में, आपकी समझ पे, राइट? तो सेम यही चीज़ है कि आपको डायलॉग में इम्प्रोवाइज क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से आप डायलॉग में इम्प्रोवाइज कर सकते। सो डायलॉग इम्प्रोवाइजेशन मीन्स डायलॉग में अपना कुछ शब्दों को जोड़ना, कुछ घटाना, कुछ इधर से इधर करना, मीन्स डायलॉग को इम्प्रूव करना है। डायलॉग जो हमारे पास ऑटोमेटिक है उसके फील से नहीं भटकना है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, कुछ चीज़ें ऐड ऑन करके कुछ चीज़ें अच्छी करनी है ताकि लोगों को समझ में आ जाए। अब मान लीजिए आपके पास कोई डायलॉग है, उस डायलॉग में क्या इम्प्रोवाइज करोगे, क्या ऐसा चीज़ होगी, राइट? उसमें क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ताकि हमारे जो डायलॉग है वो और खूबसूरत लिखे और हम लोग उसको अच्छे से बोल सकें, राइट? तो हम रोज़मर्रा की लाइफ में किस तरह से चीज़ों को बोलते हैं और उस डायलॉग में उस चीज़ को लेकर आना, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आजकल ज़्यादातर नेचुरल एक्ट मांगा जाता है, चाहे वो सीरियल्स हो चाहे फिल्म्स हो, तो ज़्यादातर नेचुरल एक्ट होते हैं, राइट? तो उसमें डायलॉग का इम्प्रोवाइज होना बेहद ज़रूरी है, राइट? तो कैसे होता है, अब आपने देखा होगा कि कुछ सीन्स हैं उसमें डायलॉग जो होते हैं कहीं कहीं पर नपे तुले होते हैं कि हम तुम्हें इतने छेद करेंगे तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से लें और पादे कहाँ से। ये जो डायलॉग था, इस डायलॉग में कुछ भी इम्प्रोवाइज नहीं हुआ है, ये डायलॉग जैसा लिखा गया था वैसे ही सलमान खान ने इस डायलॉग को बोला। अब डायलॉग में इम्प्रोवाइजेशन क्या होता है, मान लीजिए कोई एक ऐसा सीन है जहाँ पर आपको अपने रिएक्शंस के थ्रू भी, आपके एक्शंस के थ्रू भी आपको अपना डायलॉग डिलीवरी भी करनी है, तो क्या होता है उसमें, अब अरे ये वो फलाना ढिंका, बहुत सारी चीज़ें वो लोग नहीं लिख सकते। जो राइटर होता है वो सिर्फ डायलॉग लिखता है कि वो उस फील्ड में ये डायलॉग बोलना है। तो ये एक स्क्रिप्ट है मेरे पास, इस स्क्रिप्ट में एक डायलॉग लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बताता हूँ। क्या यार हमेशा शॉपिंग शॉपिंग करती रहती हो, स्टूपिड बनने की बातें करती हो बिल्कुल। इस डायलॉग में क्या हुआ है कि एक लड़की गाड़ी में बैठी हुई है और उस लड़के से बोलती है कि यार चलो ना मुझे प्लीज़ मुझे शॉपिंग करा लाओ आज। अब लड़के के पास थोड़ा पैसे कम होते हैं, उसके दिमाग में बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, या पैसे की वजह से या फिर कोई और वजह से उसके दिमाग में टेंशन है, राइट? तो उसको डायलॉग को कैसे इम्प्रोवाइज करना है, या फिर वो एक्टर जो उस वक्त मौजूद है, उस लड़की ने जो उससे डिमांड करी है शॉपिंग की, तो उस वक्त क्या है उसके दिमाग में, देखो तो टेंशन, ऊपर से डायलॉग भी बोलना है, तो ये सारी की सारी चीज़ों को निकाल कर वो एक्यूरेट डायलॉग ना बोलकर भी वो कुछ चीज़ें इम्प्रोवाइज कर सकता है, राइट? तो डायलॉग को इम्प्रोवाइज कैसे करेगा वो इसमें, राइट? तो वो किस तरह से उस वक्त ये डायलॉग को बोलेगा, उसमें क्या क्या जोड़ेगा, क्या क्या घटाएगा, यही चीज़ होती है डायलॉग को इम्प्रोवाइज करना, राइट? तो डायलॉग में कुछ हटाना, कुछ जोड़ना, राइट? तो ये कैसे बोलेगा डायलॉग को, क्या यार हमेशा शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, कभी तो मेरे बारे में सोच लिया करो यार, मतलब शॉपिंग करना ही ज़िंदगी का मकसद रहेगा तुम्हारी, है क्या यार? शॉपिंग के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तुम यार मतलब मेरे बारे में कभी नहीं सोचते, हैं शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, क्या नहीं था क्या? तो देखा आपने कि किस तरह से ये डायलॉग को इम्प्रोवाइज किया। अब उस डायलॉग में क्या था कि वो जो डायलॉग जो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बैठी हुई थी, लेकिन जो फील था उस डायलॉग का फील भी ख़त्म नहीं हुआ और डायलॉग को थोड़ा और मज़ेदार बना दिया गया, राइट? उसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी गई। तो इससे क्या होता है कि डायलॉग का जो इम्प्रूवमेंट किया गया, जो डायलॉग में कुछ जोड़ा गया, जो घटाया गया, उसको हम बोलते हैं डायलॉग इम्प्रोवाइजेशन, राइट? तो डायलॉग इम्प्रोवाइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जब डायलॉग बोल रहे हैं या फिर एक्ट कर रहे हैं या किसी भी सीन के लिए आप चुने गए हैं, तो उस वक्त जो आपका डायलॉग है या तो आपको सटीक बोलना चाहिए, या सटीक नहीं बोल पा रहे हैं तो कुछ लोग होते हैं कि डायलॉग इम्प्रोवाइज करते हैं, राइट? तो इम्प्रोवाइजेशन जो ज़्यादातर फिल्मों में होता है,
सीरियल्स में तो नपे तुले डायलॉग आपको दिए जाते हैं, वही बोले जाते हैं, वही बोलने होते हैं, क्योंकि शब्द इधर से उधर करने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है एडिटिंग के वक्त। तो चीज़ें क्या है कि कहीं कहीं पर आपको इम्प्रोवाइज़ करना पड़ जाता है, कहीं कहीं पर नहीं करना पड़ता। सो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, सीन्स पे, और अकॉर्डिंग टू सीरियल्स, अकॉर्डिंग टू फिल्म्स, कि आप किस चीज़ में काम कर रहे हो। आई होप कि आप ये डायलॉग इम्प्रोवाइजेशन का मतलब समझ गए होंगे और इसको अपने लाइफ में एज एन एक्टर आप अप्लाई भी करेंगे। सो डेफिनेटली आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ जिसमें आपको एक्टिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।